दिल्ली वालों गजब कर दिया आप लोगों ने, आई लव यू। दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया है जिसका नाम है काम की राजनीति। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। दिल्ली का फैसला आपके सामने है। 63 सीट मिले आम आदमी पार्टी को जबकि बीजेपी को 7 सीट मिले, ये तो गजब हो गया। दोस्तों 70 में से 63 सीट मिले हैं आम आदमी पार्टी को, ये गजब नहीं तो और क्या है। एक तरफ कई मंत्री, कई सांसद, आरएसएस के लोग दिल्ली के हर गली मोहल्ले में पहुंचे, नए नए हथकंडे अपनाए, यूं कह सकते हैं वोट बैंक की राजनीति की। आतंकवाद से लेकर बिरयानी तक, बिरयानी से लेकर शाहीन बाग चिंगारी तक, गोली मारो डेस डेस डेस, तरह तरह के हथकंडे अपनाने के बाद हिंदू मुस्लिम की राजनीति के बाद भी चमत्कार हो गया। और जिस तरह जीत अरविंद केजरीवाल की हुई है, अब तक किसी ने ऐसा कर नहीं दिखाया। जो भी आए हों, चाहे नरेंद्र मोदी हो या इसके पहले सोनिया गांधी, इस तरह की चमत्कार नहीं दिखाया है जो अरविंद केजरीवाल ने दिखाया। इस जीत का मतलब क्या वो मौजूदा परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियों के सामने राजनीति सत्ता ने आंखें मूंद ली, या फिर ऐसे माहौल है जिस माहौल में राजनीति सत्ता डराती है लेकिन डेमोक्रेसी रहेगी तो देश रहेगा, संविधान रहेगा तो देश बचेगा लोगों के साथ, सरकार अगर साथ देगी तो देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा। जी दोस्तों, कल की रिजल्ट ने पूरे देश को चौंका दिया। सिर्फ दिल्ली का चुनाव नहीं था दोस्तों, पूरे देश का चुनाव था। पूरी देश की निगाहें जहाँ सुबह से टिकी हुई थी वो दिल्ली था। दिल्ली सीट पर टिकी हुई थी न सिर्फ देश के गृह मंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, बल्कि राजनीतिक दल के लाखों कार्यकर्ता और स्वयंसेवक के हजारों लोग बीजेपी को सफल बनाने के लिए लगे थे। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल अकेले नहीं थे, अरविंद केजरीवाल के साथ करोड़ों लोग थे, और वो लोग मुस्लिम नहीं थे बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग थे, जिन्हें नफरत की राजनीति, जात पात की राजनीति नहीं बल्कि विकास की राजनीति पर अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी कीमती वोट देकर जीत दिलाई है। और दोस्तों बीजेपी ने जो राष्ट्रीय मुद्दा उठा दी है, वो मुद्दा, वो सवाल नागरिकता से जुड़ा सवाल है, वो हिंदू मुस्लिम से जुड़े सवाल थे और वो शाहीन बाग के सवाल थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने सारे सवाल खारिज कर दिए। जहां देश की जनता का मुद्दा हो और जनता के बीच से जनता के मुद्दों पर निकलकर कोई नेता आए तो आपकी जुबा लड़खड़ा जाती है। दोस्तों जिस मुद्दे पर दिल्ली के चुनाव हुए, चाहे वो शाहीन बाग बोलो या फिर नागरिकता संशोधन पर बोलो, इसी को दिल्ली में मुद्दा बनाया गया। इस मुद्दे पर किसकी हार हुई है, क्या ये मुद्दे की हार हुई है या फिर इस मुद्दे को उठाने वाले राजनीतिक दलों की हार है। बहरहाल अरविंद केजरीवाल फिर से एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, जिसकी शपथ लेंगे। और फिलहाल हम तो यही कहेंगे, भेदभाव हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि इंसानियत की राजनीति कहें या फिर चमत्कार कहें, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कल 63 यानी 63 सीट जो है हासिल की है, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।